हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार और आपको TRE 1 से लेकर TRE 2 तक और अभी तीसरे फेज की बहाली से लेकर चौथे फेज की बहाली तक जो भी अपडेट होगा आपको हम दे रहे हैं। सबसे पहला अपडेट आपको हम दे रहे हैं कि TRE 1 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर जो माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, यानी हम लोग की तरफ से जो पिटिशन फाइल किया गया था, उसका केस नंबर कल मिल गया है। केस नंबर है CWJCE 2337/2024 सत्यम कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार 2337 CWJC 2337/2024 सत्यम कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार और कुमार कौशिक हमारे लॉयर हैं, जैसा कि सबको पता है। और केस के संदर्भ में जो भी अपडेट होगा, कब आगे सुनवाई होगी, लेकिन जल्द से जल्द सुनवाई होने की उम्मीद है, तो जो भी केस के संदर्भ में अपडेट होगा आपको हम बता देंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे TRE 2 और TRE 2 के लेके जो भी मामले सामने आ रहे हैं पूरक परिणाम के लिए, जो BP से चेयरमैन की तरफ से स्पष्टीकरण आ चुका है कि अब उसके परिणाम जारी नहीं होंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर शिक्षा विभाग से जो सूची गई थी उस सूची पर अब विराम लग गया है, उस सूची को वापस लेकर लेते हुए तमाम चीज़ें, तो NDA के जो घटक दल हैं, NDA के जो BJP और JDU की जो सरकार वर्तमान में बिहार सरकार में है, तो इन दोनों की जो भूमिका है, और ख़ासकर जब ये सरकार में नहीं थे तो उनकी भूमिका अब संदिग्ध नज़र आ रही है, क्योंकि जब आप नहीं थे तो आप पूरक परिणाम को लेकर, डोमिसाइल नीति को लेकर, फर्जीवाड़ा को लेकर आदि आदि कई चीज़ों पर अपने राय रखते थे, और प्रेस के माध्यम से विपक्ष पर हमलावर भी थे कि पूरक परिणाम आने चाहिए, खासकर सुशील कुमार मोदी और राज्य के दो डिप्टी CM अभी जो वर्तमान में विधानसभा और विधान परिषद में विरोधी दल के नेता थे और आज डिप्टी CM हैं, तो क्या भूमिकाओं पर अब संदिग्धता नज़र नहीं आती है? तो सारी चीज़ों पर अब अपडेट, आगे की जो कार्रवाई होगी जल्द से जल्द बैठक बुलाने की बात हो रही है। तो इस आज के इस वीडियो में अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो अगली बैठक कब बुलाई जाए, क्योंकि जो भी बैठक होगी वो 10 तारीख से पहले अगर बुलाई जाती है या 10 तारीख के बाद, जैसा कि साथियों पता है कि विधानसभा का सत्र चलने वाला है और 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होने वाला है, 13 तारीख को नियोजित शिक्षकों के साथ इस तरह के घेराव की बात की जा रही है कि नियोजित शिक्षकों की संख्या पर जो इस तरह की चीज़ें परीक्षा लेने की बात हो रही है, तो उसको लेकर भी अपडेट है कि 13 तारीख के दिन विधानसभा का घेराव करने की बात, तमाम शिक्षक संगठन नियोजित शिक्षकों के पक्ष में, यानी उनको सक्षमता परीक्षा लेने की जो बाध्यता है और पेपर में फेल करने जाने के बाद उनके नौकरी छीनने की बात जो राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है, तो सारे बिंदुओं पर आगे स्पष्टीकरण किया जाएगा। तो अब जो बातें हैं कि कब बैठक, यानी TRE 2 के लिए पूरक परिणाम जारी नहीं हुए तो आगे क्या रणनीति बनाई जाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए, इन सारे मामलों को लेकर कब बैठक बुलाई जाएगी, तो इस कमेंट सेक्शन में आप बताएं उसकी तारीख, क्योंकि TRE 1 से लेकर TRE 2 तक और TRE 3 में जो पदों की सूचना आप सबको पता है कि उसका भी नोटिफिकेशन कल जारी हो गया और लगभग 87,000 पदों पर जो सूची निकाली गई है कि जल्द से जल्द उसकी वैकेंसी जो है 10 तारीख से लेकर, यानी 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक उसकी आखिरी तारीख का फॉर्म अप्लाई करने की, और सबसे ज़्यादा जो पद है वो है उच्चतर माध्यमिक में, यानी 1-5 से लेकर 6-8 9-10 और 11-12, यानी जो कल्याण विभाग है और जो शिक्षा विभाग है दोनों के जो पद हैं, सभी पदों का अगर आप सीजन करेंगे तो 87,000 पदों पर तीसरे फेज की बहाली आ रही है। तो क्या तीसरे फेज की बहाली में काफ़ी विसंगति है जो जिस चीज़ों को लेकर लगातार शिक्षक अभ्यर्थी और छात्र डिमांड कर रहे हैं, क्या सरकार की तरफ से इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए? सबसे पहली जो हम लोग की डिमांड है वो है कि अवसर की सीमा, जैसा कि पता है साथियों कि 3 बार परीक्षा में बैठने की बाध्यता थी, उस बाध्यता को बढ़ाते हुए कम से कम 5 बार इस परीक्षा में 5 बार बैठने की मौके उनको मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि जो उम्र सीमा है वो ख़त्म हो गई है और कई TRE 1 में तो व्यापक तौर पर फर्जीवाड़ा हुआ और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर मात्र खानापूर्ति, 2773 लोगों का ही सिर्फ रिजल्ट आया, जो ट्राई वेकर स्टूडेंट हैं या जो 1 नंबर या 2 नंबर से कम छूट गए किसी कारण से, तो क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए आगे? कि ये कौन सी बात हो गई कि 3 ही बार परीक्षा में बैठना है? तो ये इस डिमांड पर हम सरकार के तरफ से, हम सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि 3 बार की बाध्यता को समाप्त करते हुए कम से कम 5 बार परीक्षा में बैठने के मौके इन सारे शिक्षक अभ्यर्थी को मिलने चाहिए। और दूसरी प्रमुख डिमांड जिसका इस विज्ञापन में जिक्र है कि CTET अपेयरिंग और STET अपेयरिंग, CTET अपेयरिंग की परीक्षाएँ पीछे बीते महीने हुई है और उसका रिजल्ट में प्रकाशन में अभी विलंब है, कम से कम 1-1.5 महीना, उसमें 1 महीना लग जाएगा,
तो हम आग्रह करते हैं कि सीटेट अपीयरिंग वाले जो छात्र हैं उनको इस परीक्षा में बैठने का मौका मिले, क्योंकि TRE1 में भी उनको मिला था मौका, TRE2 में हम लोग काफ़ी डिमांड करते रहे परंतु वो मौका नहीं मिला, परंतु TRE3 में तीसरे फेज के बहाली में सीटेट अपीयरिंग और STET अपीयरिंग, जो STET की जो परीक्षाएँ होने वाली है आगे, उसके जो अपीयरिंग के छात्र हैं कम से कम इस परीक्षा में बैठने की जो बातें हैं उसको लेकर आप अपडेट करा देते, उनको बैठने का मौका देते। और DLED के जो छात्र हैं, जो कोर्स कर रहे हैं, जो रेगुलर कोर्स कर रहे हैं DLED वाले, उनके लिए 24 महीने के कोर्स की जो बाध्यता है 22 से 24 सेशन में, वो अगस्त महीने में पूरी हो जाएगी। तो जो अगस्त महीने में पूरी होगी, क्या अभी के सिलसिले में चौथे फेज की बहाली में वो बैठेंगे तो उसके पहले तीसरे फेज के बहाली में अपीयरिंग यानी DLED अपीयरिंग वाले को कम से कम मौका मिलना चाहिए था, परंतु विज्ञापन पर गौर करेंगे तो ये पाएंगे कि अभी CTET अपीयरिंग और STET अपीयरिंग के साथ साथ किसी को भी परीक्षा में बैठने की जो मौके हैं वो नहीं मिले हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इन सारे मुद्दों पर खासकर अटेम्प्ट को लेकर कम से कम 5 बार और CTET STET और DLED वाले को अपीयरिंग के जो छात्र हैं उनको कम से कम इस परीक्षा में बैठने के मौके मिले। और TRE2 के लिए जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर सरकार की तरफ जो खारिज हुई और शिक्षा विभाग और BPSC की तरफ से जो चीज़ें हुई उसको लेकर आगे कब बैठक बुलाई जाएगी इसके संदर्भ में आपको अपडेट होना चाहिए। और TRE1 के लिए जो कोर्ट केस है उसके संदर्भ में आपको हमने अपडेट करा दिया है, आगे जो भी अपडेट होगा आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।